दारुल उलूम देवबंद से एक शख्स ने बकरीद के मौके पर फतवा मांगते हुए पूछा कि क्या हम जिस पैसे से कुर्बानी करते हैं उन पैसों को गरीबों में दे सकते हैं? ऐसे में क्या हमारी कुर्बानी मानी जाएगी? अब दारुल उलूम देवबंद ने इसको लेकर फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा देते हुए कहा कि कुर्बानी के पैसे से कुर्बानी ही जायज है। कुर्बानी के पैसों को किसी गरीब या मजबूर को देने से कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। जिस तरीके से नमाज के बदले जकात, जकात के बदले रोजा और रोजा के बदले हज नहीं हो सकता, ठीक इसी तरीके से कुर्बानी के पैसे किसी को देने से कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे तो हर हाल में कुर्बानी करनी ही करनी है। बता दें कि बकरीद इस बार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी करता है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र सहित तमाम राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। न्यूज़ डेस्क।